गुरु प्यारी साध संगत जी रचना पवित्र करो फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो आज जो है संग्राम का दिहाड़ा है और जेठ का महीना चढ़िया है, तो बारह महाबाणी जो है गुरु नानक साहब ने राग तुखारी दे विच भी उच्चारण की है, ते गुरु अर्जन साहब जी ने राग माझ दे विच उच्चारण की है, ते अक्सर जो है गुरद्वारा साहिबान विच जो राग माझ दे विच गुरु अर्जन साहब जी ने उच्चारण की है हुक्म महीने के संबंध के सरवण कराए जाते हैं, व्याख्या की जाती है, वो अनुसार जीवन बतीत करने की सिक्ख्या दी जाती है। अभी दोनों की विचार करांगे, वो लंबी विचार नहीं करांगे, क्योंकि जिहड़े सज्जन भी इस चैनल नाल जुड़े है गुरमत विचारधारा उहदे विच गुरमत करम फलोसफी या सुखमनी साहब की व्याख्या सरवण कर रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा डिटेल की लोड़ नहीं है, क्योंकि बेसिक गल्लां दी जानकारी होने करके उन्होंने रिपीट करने की लोड़ नहीं पैंदी। यही चीज़ होंदी है जिसले असी अपने धर्म के जिहड़े बेसिक असूल समझ लांगे, ते इस करके विद्वानां नूं बहुत जगह के उत्ते लंबियां लंबियां जो है भूमिका इस करके देनियां पैंदियां, क्योंकि पता है भी संगत नूं ना बेसिक जानकारी है नहीं, इस करके जिहड़ी गल करनी चाहते होंगे है वो इन्नी ज़्यादा नहीं कर सकते, वो ज़्यादा उन्होंने समझाने पर ही समा लग जाता। तो इस करके असी जो है सब तो पहला जो है चैनल आरंभ करने भी सिख धर्म है की है, सिख धर्म के प्रिंसीपल की है, विचारधारा की है, करम फलोसफी की है, ये सारे की जानकारी इस करके पहला दी है। अज बहुत सारिया दुविधावान भी बनिया पे करके बड़े बड़े प्रचारकों के आपस में दुविधावान बनिया है, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, पर बाणी की कह रही है बाणी के अनुसार जो है असी ये विचार जी सारी की सारी पाई है, उसमें सरवण भी करो जिन्होंने नहीं किया जो जानकारी लैनी चाहते हैं। तो हूँ जेठ महीने के हुक्म जो हैं सरवण आप जी ने पहला भी किए होने, क्योंकि दरबार साहब तो भी आते हैं, तो होर भी अपने अपने तरीके पढ़े भी हो गए कई ने, एक बार असी सरवण करते हैं। तो ये राग माझ है, गुरु अर्जन साहब जी की बाणी है राग माझ महला पंजवा। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निवन, हर सज्जन दावन लगे हां किसे ना देई बन, माणक मोती नाम प्रभ उन लगे ना ही सन, रंग सभे नारायण जेते मन पावन, जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, जो प्रभ कीते अपने सही कहिए तन, आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मणन, हर जेठ रंगीला तिस तनी जिस कह भाग मथन। तो ये हुक्म सीगे, इन्हां दी व्याख्या असी जिहड़ी आ सरवण करदे आ कि जिहड़ा जेठ महीना जिवें हुण गर्मी आरंभ हो रही है, गर्मी दा महीना गिणिया जांदा, एक तां बाहरी गर्मी है, एक साढ़े अंदर भी गर्मी है, ते गुरबाणी ज़्यादा अंदर दी गर्मी दी गल करदी आ, साढ़े अंदर चार नदियां वगदियां पईआं, अग दियां नदियां वगदियां पईआं आ, है ना, ते त्रिश्ना लोभ मोह को ये सारिया चीजा अंदर साढ़े जड़िया आगन है साढ़े अंदर, तो उसनू जड़ा नाम दे नाल आपां उन्होंने ठंड पैनी होंदी है नाम दे नाल ही। तो हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब नवन, कि असी जां अपने अपने आका बनाए हुए हैं, असी उन्हां दे अगे निभदे हाँ, उन्हां दी शरण च जाने हाँ, उन्हां अनुसार अपने जीवन का डिसिपलिन बनाया, पर चाहिए की आ कि जेठ कहा जाता वड्डे नूं, कहा जाता ना जिदा कह देंदे जेठ है जी, ये मेरा जेठ है ना, तो जेठ कहिंदे आ जिहड़ा सब तो वड्डा,
ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਦਾ, ਦੀਨ ਦਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣਾ ਘੱਟ ਘੱਟ, ਨਾਥ ਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀਂ ਸਨ। ਤੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਵਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਬਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਗਈਆਂ ਧੰਨ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕਥਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧੰਨ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ ਲਈ ਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਨ, ਆਪਣ ਲਈ ਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣ ਲਈ ਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਨ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਣ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ।
साधु संग प्रापते नानक रंग मनन। पर रास्ता ये है अपने हाथ तो है नहीं, गुरु की संगत जाके गुरु को उपदेश लैके तो फिर ये प्राप्ति होंगी है। तो ये जड़ी चीज़ है सिफत सलाह परमात्मा की दात है ओदे कोलों प्राप्त होंदी है। गुरु का साथ मिल जाता ते ओ फिर रंग माणदे है। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। तो उस जीव स्त्री लई जेठ महीना जड़ा है वो बहुत आनंद देण वाला प्रभु दे मिलाप दा जड़ा हुंदा जिस गुरु दे साथ मिलने करके। जिस मनुख दे मत्थे दे भाग जाग जांदे आ उसनू जेठ महीना सामना लगदा, उसनू प्रभु मालक फिर मिल जांदा है ना। हुण जिसके भाग मथन भी भाग जाग जांदे आ ना, ये चीज नूं आपां ने लैणा हैगा। तो वह ना लीए भी साढ़े तो भागा च नहीं है ना, इस तरह की नहीं गल हैगी। गुरु नानक साहब ने भी जो है रालतकारी दे विच जो है बारहवा उच्चारण किए बाणी च लिखते आ, माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसर है, थल तापै सर भार साधन बिनों करे, धन बिनों करेंदी गुड़ सारेंदी गुण सारी प्रभ पावा, साचे महल रहे बैरागी आवण देह तावा, निमाणी नताणी हर बिन क्यों पावै सुख महली, नानक जेठ जाने तिस जैसी करम मिले गुण गहली। माह जेठ भला भी गर्मी तो है पर उन्होंने जीव स्त्रियों नू जड़ा है जेठ महीना भी चंगा लगता, जिन्हां नूं परमात्मा प्रभु प्रीतम कदे नहीं विसरदा। जदके थल तापें सर भार साधन बिनों करे, जेठ दियां लोआं पैण पट वांग थल तपण लग पैंदे आ। भावे ही आ वी जिहड़े अंदर लोभ त्रिश्ना होर विकार जड़े आ उन्हां दी अगन जड़ी आ शरीर नूं जड़ी हिरदे नूं तपाउंदी आ। ते इस तरह नाल फिर जड़ी जीव स्त्री आ वो प्रभु दे अगे अरदास करदी आ। फिर वो की करदी आ, उहनूं फिर इह तरीका पता वी धन बिनों करेंदी गुण सारेंदी। वह जीव स्त्री धन का मतलब होंगे जीव स्त्री भी बेनती करती है अरदास करती है गुणा नू अपने अंदर ग्रहण करती है, गुणा वाला अपना जीवन बनाती है। तो वह ये गल समझती है प्रभु के गुणा नू जे संभालांगे गुण सारी प्रभ पावा, मैं जे गुणा वाली होऊंगी तो मैं परमात्मा नू चंगी लगांगी। तो इस संबंधी भी काफ़ी बाणी दे विच इहदे प्रमाण मिलते हैं। ते जो गुणा वाला है उसे परमात्मा पसंद करते हैं। गुण सारी प्रभ पावा, साचे महल रहे बैरागी आवण देह ता आवा। तो जो परमात्मा है वो अपने महल दे विच सदा थे महल दे विच टिकिया रहिंदा। तो उस अगे जीव स्त्री बेनती करदी है प्रभु तेरी सिफत सलाह करदी हाँ, गुण ग्रहण करदी हाँ कि तेनू मैं चंगी लग पावा, तू मैनू आग्या देवे तो मैं भी तेरे महल विच आ जावा, ता कि बाहरी जड़ी तपश है उहदे तो ये मिलाप की अवस्था वाली गल हुंदी है। को महल नहीं हुंदा भी जिथे महल परमात्मा रहिंदा। तो ये अंदर दियां सारियां अवस्थावां हैगियां अपने मन दियां अंदरों हिरदे दियां सारियां अवस्थावां की गल है कि अंदर ही साढ़े परमात्मा है, अंदर ही राक्षस भी बैठा है। असी ये देखना भी किहदे नाल मिलाप करना है उहदे मुताबक ही फिर साडा सुभाव बनदा। निमाणी नताणी हर बिन क्यों पावै सुख महल। तो जिन्नी देर विछोड़े दे विच है बंदा ते वह जीव स्त्री जिहड़ी आ वह बकारां दे विच पई आ, उहदे नाल नडाल होई पई आ, कमजोर हो गई है। निमाणी नताणी हर बिन
क्योंकि विल पावर उन्हां बंदियां च हुंदी है जिहड़े सच्चाई दे हुंदे आ, जिहड़े झूठ दे हुंदे आ उन्हां दे फिर नमाने ताने हुंदे आ, फिर उन्हां नूं गल नहीं, उन्हां दी जबान फिर थिरकदी आ गल करन लग्गियां, सच वाले दी नहीं थिरकदी। इमानदारी है को कहदे मिलावट कीती कहिंदा देख लो परख कर लो, है ना, उन्हूं कोई नहीं। हाँ भी रिश्वत लई कहिंदा देख लो कित्थे रिश्वत दस दो मैनूं। निमाणी ताणी हर बिन क्यों पावे सुख महली, तो इस तरह नाल वो फिर जड़ी है वो मिलाप वाली अवस्था जड़ी है ना, महल दा गल ही समझी, मिलाप वाली अवस्था दा जड़ा सुख है वो उसनू फिर नहीं मिलता है। नानक जेठ जाने तिस जैसी करम मिले गुण कहली। तो गुरु नानक साहब यह गल कह रहे आ, जेठ की सड़दी लो विच जड़ी प्रभु की सिफत सलाह हिरदे विच वसा लैण वाली जीव इस्त्री, जो कि है अंदर गुणा नू वसाउण वाली इस्त्री है, वह प्रभु नाल जाण पछाण जड़ी है ना बना लैंदी है। नानक जेठ जाने तिस जैसी, ते ओ उस छांत चित प्रभु वर्गी हो जाती है, फिर ओदी अवस्था बन जाती उस तरह की। फिर करम मिले गुण कहली, करम किनू कह देंदे, मेहर हो जाती जिस वेले उन्हों कह देंदे मेहर होनी है ना, उस चीज नू कह देंदे मेहर नाल फिर एक रूप हो के ते गुणा नू ग्रहण करके गुण जिहड़े अंदर सबर संतोख शांति धीरज जिस वेले आ जाते हैं उस वेले ये जड़ियां अगां आ मोह की अग है, मोह कोप है ना, क्रोध की अग, क्रोध बड़ा अजकल, त्रिशना ना, ये सारिया अगर जड़िया काम कामनावां जड़िया अंदर उठदियां बंदे दे, ये सारा कुछ जड़ा आ इन्हां सारिया तो बच जाता इंसान जिस वेले गुणा का ग्रहण कर लैंदा, ते इस नाल फिर की आ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ ਗੁਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਸਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਪ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਹੋਈਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।